फ्रेंड्स, वंस अगेन वोकैब विद फैबुलस में आपका स्वागत है। और देखिए, आज के जो वर्ड्स हम आज के सेशन में सीखने जा रहे हैं वो हैं एब्निगेशन, बैंटर, कारकास, डिवंक, एफ्लुवियम। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। इसमें सामने वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए हैं लेकिन दे आर इन द जम्बल्ड वे, सो यू हैव टू फाइंड द करेक्ट मैच। पहले हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं जिसमें सारे वर्ड्स हम सीखेंगे, फिर हम इसको मैच कराएंगे। ओके, सो एब्निगेशन, एब्निगेशन का मीनिंग होता है टू गिव अप अ राइट और क्लेम। ओके, किसी अधिकार को त्याग देना, किसी राइट को त्याग देना इज एब्निगेशन। सो द एग्जाम्पल कैन बी यूज लाइक दिस। सो एग्जाम्पल कैन बी सीन हीयर इन केस ऑफ विराट कोहली। और कोई भी आप एक्टर देखेंगे, कोई भी आप जो एथलीट हैं या फिर क्रिकेटर हैं उनको आप देखेंगे, तो जो फूड की जो हैबिट्स हैं उनकी वो बहुत ही ज़्यादा चूजी होती हैं। ठीक है, वो शुगर कम खा रहे होंगे, वो फैटी चीज़ें कम खा रहे होंगे, है ना। तो उनका डाइट शेड्यूल होता है एक प्रॉपरली, है ना। तो वो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं जो टेस्टी होती हैं लेकिन वो लोग नहीं खाते हैं। सो व्हाट डू? दे एब्निगेट देम, एब्निगेशन करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा यूज़ है आपके लिए सेंटेंस में, विराट्स एब्निगेशन टू आइसक्रीम इज़ ड्यू टू हिज क्रिकेट ट्रेनिंग। तो आप इस तरीके का सेंटेंस किसी के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, विराट कोहली के लिए कर सकते हो, है ना, और एक्टर्स के लिए कर सकते हो, शाहरुख खान एक्ट्रेसेस के लिए पर्टिकुलरली आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से एब्निगेशन को आप यहाँ से याद रखेंगे, एब्निगेशन मीन्स टू गिव अप अ राइट और क्लेम। द नेक्स्ट वर्ड फॉर यू इज़ बैंटर, BANTER। बैंटर मीन्स कन्वर्सेशन विच इज़ फनी एंड नॉट सीरियस। ओके, कोई फनी कन्वर्सेशन होती है उसको हम बैंटर बोलते हैं, फ़नी कन्वर्सेशन करने वाले को हम बैंटर बोलते हैं। सो दिस इज़ कपिल शर्मा से बेटर एग्जांपल क्या हो सकता है एक फ़नी कन्वर्सेशन के लिए। सो कपिल शर्मा कंसीडर्स हिमसेल्फ अ विटी बैंटर। आप सेंटेंस चेंज करके यूज कर सकते हैं कि कपिल शर्मा इज कंसीडर्ड अ बैंटर, अ विटी बैंटर, और बाकी लोग, बाकी जितने भी कॉमेडियंस हैं उनके केस में आप ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। ओके, सो बैंटर को आप याद रख सकते हैं कपिल शर्मा से फनी कन्वर्सेशन को रिप्रेजेंट करने वाला। सो दिस वाज हाउ वी कंप्लीटेड बैंटर। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कारकास। कारकास का मीनिंग क्या रहता है? कारकास का मीनिंग होता है अ डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल इज कारकास। ओके, डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। सो द एग्जाम्पल, ऑब्वियसली हम कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, डेड बॉडी ऑफ एन एलिफेंट हो गया तो उसको हम कारकास कह देंगे, इन जंगल वी सॉ एन एलिफेंट कारकास। ओके, सो दिस वॉज कारकास, दैट वॉज अ सिंपल वर्ड। नाउ द वर्ड इज डिबंक। डिबंक का मीनिंग क्या होता है? टू सो दैट समथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट, कोई चीज़ कम महत्वपूर्ण है उसको हम डिबंक बोलेंगे। तो डिबंक के लिए क्या एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं? भाई देखो, नई रिसर्च होती है हमेशा, है ना। तो जो नई रिसर्च होती है उससे जो पुरानी थ्योरीज हैं वो बेकार हो जाती हैं, वो कम इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये हमेशा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हिज थ्योरीज हैव बीन डिबंक्ड बाय दी रिसेंट रिसर्चेस, है ना। तो डिबंक को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी जो रिसर्च होती हैं हमेशा प्रोग्रेसिव होती हैं, तो पुरानी जो थ्योरीज होती हैं वो हमेशा डिबंक हो जाती हैं, हमेशा कम इम्पॉर्टेंट रह जाती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड फॉर टुडे इज एफ्लुवियम, EFFLUVIUM। एफ्लुवियम का मीनिंग क्या होता है? नॉक्सियस स्मेल, बदबू। तो देखिए, बदबू कहाँ कहाँ आ सकती है, आप वहाँ वहाँ एफ्लुवियम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखो, एक डंपिंग ग्राउंड है ये, है ना, वेस्ट ला के डंप किया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। यू कैन स्मेल द एफ्लुवियम इन द एयर नियर द गार्बेज साइट्स। सो एक सिंपल मैंने सेंटेंस में यूज करके इसको बताया है, आप एग्जाम्पल अपना अपने हिसाब से ले सकते हैं, सुइटेबल है ना। द ऑब्जेक्टिव इज़ कि हमें एफ्लुवियम वर्ड का मीनिंग हमें याद रहे और उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं ये हमें मालूम रहे। सो दिस इज़ हाउ। ओके, तो हमने सारे वर्ड्स यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी हम मैच द फॉलोइंग करने जा रहे हैं। तो देखिए, एब्निगेशन मैंने आपको क्या बताया था? किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग देना, टू गिव अप अ राइट और अ क्लेम। बैंटर, बैंटर क्या है? कन्वर्सेशन, जो फनी कन्वर्सेशन थी कपिल शर्मा, आपको याद होगा। कारकास, एलिफेंट का कारकास याद होगा, किसी भी लार्ज एनिमल की डेड बॉडी, डेड बॉडी ऑफ अ लार्ज एनिमल। डिबंक, डिबंक हमने आपको क्या बताया? डिबंक बताया था
कि कोई चीज़ ऐसे दिखाना कि वो कम इम्पॉर्टेंट है, कम महत्वपूर्ण है, टू सो दैट समथिंग इज़ लेस इम्पॉर्टेंट. एफ्लुवियम मैंने क्या बताया था, एफ्लुवियम का अलावा नॉक्सियस स्मेल है ना, गंदी बदबू. ओके सो दिस इज़ ऑल. अब देखिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज. शशि थरूर सर सेंटेंस चैलेंज में आपके लिए क्या है कि पांच वर्ड्स जो आपको आज सिखाए गए हैं यहाँ पर, उन पांच वर्ड्स को यूज करके आपको एक सिंगल सेंटेंस फ्रेम करना है. एक ही सेंटेंस के अंदर वो पांचों वर्ड्स आ जाएं, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है. सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो और वर्ड्स जिस सेंस में यूज होते हैं उसी सेंस में यूज होने चाहिए. अगर आप ऐसा सेंटेंस सक्सेसफुली बना पाते हैं तो आपके लिए 500 रुपीज़ का रिवार्ड मनी हमारे पास रिजर्व्ड है. टर्म्स एंड कंडीशंस वही हैं कि आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए बता सकते हैं. एक महीने का आपके पास में समय है. एक महीने के अंदर हम देखेंगे हमारे पास कितने जवाब आते हैं. एक से ज़्यादा सही जवाब आते हैं तो हम लॉटरी सिस्टम का यूज़ करेंगे विनर को चूज़ करने के लिए. ये पर डे की कॉम्पिटिशन है तो आप अपने चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ाने के लिए हर दिन पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ओके सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट सेशन में जल्दी ही मिलेंगे हम. ओके गुड बाय.